अध्यक्षता कर रहे माननीय दिलीप कल्याणी जी। अच्छा हमारे खाते जो खड़े हैं ना उधर किसी को बीच में खड़ा मत होना, इधर इधर कुर्सी दीजिए उधर या व्यवस्था कीजिए कुर्सी की। दो साथी उधर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दिलीप कल्याणी साहब, मंच पर उपस्थित हमारे उद्घाटक महोदय माननीय डॉक्टर संदीप जी और हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से चलते आए माननीय रवीश कुमार जी और अभी हमारे बीच में आने वाले हैं भारत की टॉप स्पीकरों में, टॉप बुद्धिजीवियों में 10,000 भारत में टॉप गिने उनमें से एक दिल्ली के हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर जो भी हमारे बीच में आने वाले हैं, डॉक्टर रतन लाल जी भी हमारे बीच में आने वाले हैं, वो अभी अभी पहुंच रहे हैं। इधर हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जी आज जो बहुत सब बैठे हैं, उधर हमारी तीन बेटियां हैं जो गुड़गांव से आए हैं, उधर साधु है, मीनाक्षी है और रिया है, तीनों है। तो आज का हम ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने महापुरुषों को नमन करते हैं जिनके संघर्ष, त्याग, बलिदान, कुर्बानी की वजह से आज हम इतने अच्छे ढंग से पैर ओढ़कर इधर एक शानदार हाल में बैठे हैं। उसके बाद आज साथियों हमने विषय रखा है चर्चा के लिए, इधर लोकतंत्र में बहुजनों पर अल्पजन का शासन क्यों, कैसे और कब तक। मगर इससे पहले मैं दो तीन बात आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। पहला तो ये कि जिस टीम ने झगड़ा की टीम है, इधर नांगल की टीम है, ये जो हमारी टीम खड़ी है, इसको मैं बधाई देना चाहता हूं कि इतना शानदार इन्होंने कार्यक्रम इधर आयोजित किया है, ये बधाई के पात्र है। साथियों बोलना आसान है, लोगों को इकट्ठा करना, बुलाना और जिनके बुलावे पे आ जाए ये काम मुश्किल है, और इन्होंने ये काम किया है तो निश्चित रूप से मैं इनको बधाई देता हूं कि हमारी टीम जो पूरी बधाई दे। दूसरा थोड़ा सा मैं इस संसद का जिसके बुलावे पे आप आए हो इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन परिचय एक दो लाइन में देना चाहता हूं। ये कार्यक्रम, ये निमंत्रण जो आपको दिया है उसके बुलावे पर आप आए हो वो संगठन है भारतीय समाज निर्माण संघ, यानी कि इस देश में हमारा समाज नहीं है, हम समाज बनाने के काम में लगे हैं। हमारा समाज नहीं है, समाज के टुकड़े 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 हैं जिनको जातियों के नाम से जाना जाता है। हम उन टुकड़ों को इकट्ठा करके एक समाज बनाने के काम में लगे हैं, वो ये संगठन है भारतीय समाज निर्माण संघ, इसका परिचय है। और हमारा उद्देश्य भी है कि हम चमार, नाई, तेली, धोती, कुमार, मान, मतंग, अहीर, जाट, गुजर नहीं है, हम यानी मूल निवासी एक समाज के लोग हैं। उसी में हम लगे हैं, यही इस संगठन का उद्देश्य है कि एक समाज का साथियों निर्माण करना। ठीक है, तो ये आज का हमारा है ये विषय रहेगा। मगर एक बात, एक दुखद बात कि अभी पीछे करीब करीब 8-10 दिन हुए हैं, हमारे एक इस
संघर्ष में हमारे बाजू के साथ बाजू मिला के चलने वाले हमारे भाई माननीय जेपी सिंह जी 6 अगस्त को पीछे इस कारवां को जो आगे बढ़ाने में तन से मन से और धन से जो हमारे साथ लगे हुए थे, इत्तेफाक अचानक यानी कि हमारे बीच में साथियों नहीं रहे। एक हमारी बाजू जिसको आज हम महसूस करते हैं, मतलब उसका एहसास हो रहा है कितना एक प्रिय साथी संघर्षशील साथी जो अपने बैंक ऑफ बड़ौदा में सीनियर मैनेजर थे, 6 अगस्त को हमारे से विदा हो गए, सदा सदा के लिए चले गए हमारे बीच में से। तो वो सदा हमारे तन से मन से सहयोगी थे। आज हम अगर उनके कार्य को देखें, चाहे मैं पंजाब जा रहा हूं मेरे साथ होते थे, चाहे उत्तराखंड जा रहा हूं मेरे साथ होते थे, चाहे गुजरात जाऊं बंगाल जाऊं और इधर बंबई जाऊं, वो मेरे साथ संघर्ष कर रहे थे। आज हमारे बीच नहीं है, दुख तो बहुत है, रोना भी बहुत आया, मगर रोने से कुछ होने वाला नहीं है, उनके काम को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे बीच में उनकी वाइफ भी आई हुई है, उनकी बेटी भी आई हुई है, उनके दोनों पुत्र आए हुए हैं। तो मैं यहां से निवेदन करूंगा कि कभी भी मतलब आपने तो अपने घर का आपने हस्बैंड भी खोया है, बाप भी खोया है, मगर हमने भी एक साथी को खोया है, हमें भी बहुत उसका दुख है। तो उसकी याद में हम चाह रहे थे आज का कार्यक्रम ही उनको समर्पित करें, मगर उससे बड़ी एक घटना देश में चल रही है। अभी जो इधर तुगलकाबाद में जो हमारा गुरु रैदास जी का जो मंदिर है वो तोड़ा गया, और आपने देखा होगा लोग रामलीला मैदान में सड़कों पे आए हैं, और मैंने देखा है केवल चमार जाति के ही लोग नहीं आए, वाल्मीकि जाति के भी लोग बड़ी संख्या में उधर आए हैं, दूसरे लोग भी जाति के लोग आए हैं, अदर जाति के भी लोग आए हैं, और बहुत से लोग घर में बैठे हुए समर्थन दे रहे हैं। तो ये जो भीड़ आई वो कोई व्यवस्थित नहीं था कार्यक्रम। मैं जो कह रहा हूं ये कार्यक्रम हमने जेपी साहब को ही समर्पित करना था, मगर हम उनके कार्य को समर्पित कर रहे हैं। वो मैं बता रहा हूं वो भीड़ कोई मैसेज नहीं दे सकी, वो मैसेज हम यहां से देना चाहते हैं। वो केवल एक जाति के ही लोग नहीं थे, जब भी मेजोरिटी में एक ही जाति के लोग थे, ये भी कटु सत्य है जिसको चमार कहे जाता है मेजोरिटी। वो भीड़ ऐसी थी जैसे 1800 से लेकर 1940 तक 140 साल में छोटे छोटे विद्रोह हो रहे थे, लोग उनको विद्रोह कह रहे थे, कोई उनको क्रांति कह रहा था, कोई आक्रोश कह रहा था, कोई गदर कह रहा था, मगर लोग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपना रोष अपना प्रतिरोध अपना विद्रोह प्रकट कर रहे थे। ठीक उसी तरह से जितने भी लोग आए वहां पर वो इस व्यवस्था के विरोध इसलिए हमने ये कार्यक्रम गुरु रैदास जी को समर्पित किया है। आज का कार्यक्रम वो जो कहना चाहते थे तो दोहे में उनकी बात कहूंगा कि जात 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 में जात है जो बेलंबे पार, और रैदास ना मानुष जुड़ सके जब तक जात ना जात है। ये रैदास जी का है। उसका दूसरा ये दोहा है यहाँ पर कि जात पात के
सूरज गए सो लोग और मानव का को खा गयो रैदास जात को। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।